नमस्कार दोस्तों, Redmi के Note 9 Pro Max। दोस्तों इस फ़ोन में एक Redmi ने नया अपडेट दे दिया है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस अपडेट का साइज कितना है, इसमें हमें क्या क्या नया देखने को मिलता है और क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यह है मेरा Redmi का Note 9 Pro Max, जिसमें जो अपडेट आया था दोस्तों वो मैंने पहले ही कर लिया। तो दोस्तों देखिए, वो जो अपडेट है वो है MIUI 12.5.5 का है, स्टेबल वर्जन है, ग्लोबल नहीं है। तो इसमें दोस्तों हमें मिलता है, ये देखिए, ये सब कुछ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले पे, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस वगैरह दोस्तों काफ़ी अच्छी हो जाएगी पहले से। और दोस्तों फोकस मोड जो होता है, जो आपका फ़ोन फोकस नहीं करता, वो भी दोस्तों काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी आपको इस डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये सब कुछ इस फ़ोन में हमें एड होके मिला है। और दोस्तों एक सिस्टम और हमें इसमें एड होके मिला है, वो है दोस्तों ये वाला ऑप्टिमाइज मेमोरी, अल्ट्रा फाइन मेमोरी मैनेजमेंट वाला। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपके फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो दोस्तों पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है इस अपडेट को करने के बाद। तो अगर आपके फ़ोन में दोस्तों जो अपडेट आया है तो आप इस फ़ोन को अपडेट कर लो, क्योंकि इस अपडेट को करने से दोस्तों आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है दोस्तों काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और सिक्योरिटी पेज लेवल कर दिया गया है 1 जनवरी 2022 का। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं मेन टॉपिक कि ये साइज़ कितना है इसका। तो दोस्तों साइज़ की बात करूँ तो इस अपडेट का साइज़ है 600 MB से ऊपर का, यानी दोस्तों 1 GB से छोटा अपडेट है। तो आपको इसको अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आया हुआ है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि Redmi जब भी कोई अपडेट भेजता है तो अपने सारे डिवाइस में एक साथ नहीं भेजता। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आया हुआ है तो आप फटाफट से कर लो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने अपडेट को इग्नोर कर दिया कि बाद में कर लूँगा, तो दोस्तों वो अपडेट क्या होता है वापस चला जाता है, फिर उसका द्वारा आने का टाइम पता नहीं होता कब आएगा। तो ऐसे में अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है, आ रहा है, तो आप उसे फटाफट से अपडेट कर लो और अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को दोस्तों और इम्प्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।